गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन बिहेवियर के कंसेप्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। ह्यूमन बिहेवियर हम सब जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामने वाले के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि अगर हम सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लौट के हमारे पास भी वही अच्छा व्यवहार आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ व्यवहार से हम किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर कंपनी में जो भी प्रबंधक हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। आप लोगों ने मैनेजमेंट पे पढ़ा होगा कि प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, प्रबंध कैसे काम करता है, कैसे मोटिवेट करता है, लीडरशिप कैसे करता है, उसे किस तरह से अभिप्रेरित करता है और किस तरह से उनका डायरेक्शन करता है, ये सब चीज़ आपने प्रबंधे पढ़ेंगे पढ़ाई है। और मानव व्यवहार में भी इसी तरह की सारी चीज़ें हैं कि प्रबंध को किस तरह से अपने कर्मचारियों के साथ काम करना है या एडमिनिस्ट्रेशन अपने मैनेजमेंट के साथ कैसे कार्य करता है, ये सब चीज़ इस मानव व्यवहार के अंदर आती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्मचारी के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो एक अच्छे से काम करेंगे, उनके साथ हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो एक अच्छी कार्यकुशलता के साथ काम हो पाएगा। कार्यकुशलता, कार्य दक्षता और जहाँ तक कि हमारे जितने भी उत्पाद हैं, उत्पादक वगैरह प्रोडक्ट, सब इतने बढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का काम भी अच्छे से होगा। और इसमें लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है कि लीडरशिप किस तरह से चलेगी। प्रबंध के व्यवहार में यही सब चीज़ देखी जाती है कि व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। एक प्रबंधक को अपने औद्योगिक संस्थाओं में, अपनी कंपनियों में, कर्मचारियों के साथ, अपने संस्थापकों के साथ, यहाँ तक कि उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के साथ सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उस व्यवहार में हर तरह का व्यवहार डिपेंड करता है कि वो पियोन के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो उसे काम के लिए उसे मोटिवेट किया जाए, काम के लिए हर तरह से उसे सहारा जाए, उसे जिससे कि उस कर्मचारी उस काम में उसकी उन्नति हो सके और एक अच्छा रिजल्ट दे सके। मानव व्यवहार यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। और व्यवहार जहाँ अच्छा होगा तो उस इंडस्ट्री का माहौल, उस कंपनी का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। इस व्यवहार के साथ उस की जो उसकी कार्य दक्षता है, उसकी गुडविल है, वो भी बनी रहेगी। और मानव व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें, हमारी कंसेप्ट शुरू में ही क्लियर हो जाना चाहिए एक मैनेजर को कि हमारे कर्मचारी को हम अपने सहकर्मी की तरह समझें, अपने साथियों की तरह समझें, उनको नौकर नहीं समझें। वो ये नहीं कि उनके आदेश ही देते रहे, अपने प्रबंध के सिद्धांत पढ़े होंगे, प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं, उनमें प्रबंध के सारे सिद्धांतों को एक प्रबंधक पूरी तरह से पालन करता है तो कर्मचारी की तरह वो एक अच्छे से कर्मचारियों से कार्य करा सकता है। तो प्रबंध यही सिखाता है कि किस तरह से काम करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर यही सिखाता है कि औद्योगिक संस्थाओं में प्रबंध को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक संस्थापक को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक मालिक को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी के रूप में उभर के सामने आए। आज हम रिलायंस कंपनी को देख रहे हैं कि वो एक बहुत ऊंचाइयों पर है, तो इसका कारण क्या है कि वो अपने सभी कंपनी के मेंबर को, अपने सारे शेयर होल्डर को, अपने कर्मचारियों को, सबको साथ लेके चल रही है। कोई भी गुडविल ऐसे ही नहीं मिलती, उसका गुडविल को बनाने के लिए उसे इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है कि वो अपनी औद्योगिक संस्थाओं को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। और कंपनी की गुडविल बनाने के लिए प्रोडक्ट का अच्छा होना के साथ साथ उसके काम करने वाले कर्मचारियों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका माहौल खुशनुमा है या नहीं। और जहाँ माहौल खुशनुमा नहीं होगा वहाँ हमारे आए दिन कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ह्यूमन बिहेवियर यही है। हमने मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उस मैनेजमेंट में हमने हर चीज़ों को देखा है कि किस तरह से मैनेजमेंट होनी चाहिए, किस तरह से कार्यकुशलता होनी चाहिए, किस तरह से कार्य होने चाहिए, सब चीज़ हम एक मानव व्यवहार में भी यही हम पढ़ेंगे कि भर्ती किस प्रकार की होनी चाहिए, लीडरशिप किस तरह से होनी चाहिए, मोटिवेट क्या होना चाहिए, कि हम मानव व्यवहार में ही सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। थैंक यू।